तो हेलो गाइस, हम आ चुके एक नए वीडियो के साथ और आज हम लाए आपके लिए क्लच लीवर और ब्रेक लीवर का वीडियो। तो वीडियो आपको पसंद आएगा, इसमें कौन सी बाइक की ब्रेक लीवर और क्लच लीवर लगेगा वो हम बताने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक देखना। तो वीडियो शुरू करते हैं, पहले मैं आपको समझा दूँ क्या क्या आता है इसमें। तो गाइस, सबसे पहले हमें बता दूँ कि इसमें कौन सी टाइप की ब्रेक लगेगी, आपको ब्रेक लीवर सबसे पहले हम बताएंगे। तो देख सकते हैं, ये चीज़ भूलना मत, यही चीज़ मैंने जो कि आपको बहुत ही हेल्प करेगी, तो ये भूलना मत। तो ये है हमारी ऑल जो बाइक आती है, पल्सर 220 या आपको जिक्सर ऐसे, वो सब में कुछ इस तरह का आपको फ्रंट ब्रेक लीवर दिखता है, जो देख सकते हैं आप कि इस तरह का कुछ आता है। इसमें आपको जो ब्रेक में आपको एक स्विच आती है, उसमें ये लग जाता है, उससे आपकी ब्रेक इंगेज होती है, जो कि आपको लगाने में अच्छी लगी। और ये ब्रेक आपको GTR में नहीं लग सकती है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अभी हम आपको दिखाएंगे GTR की ब्रेक, जो कि आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह की आपको ब्रेक्स लगेंगी। देख सकते हैं आपकी दोनों ब्रेक हमने रख दिए साथ में, तो देख सकते हैं कि ये कुछ GTR की है और आपको देख के पता चल जाएगा इसमें किस तरह की, जो इसका स्विच आता है, देख सकते हैं आप कि ये जो ब्रेक में मेन लगता है, इसकी वजह से ही आपकी ब्रेक इंगेज होगी, जो कि आपको पता चल जाएगा इसमें किस तरह का है और उसमें किस तरह का है। दोनों हम आपको साथ में दिखा देते हैं कि आपको पता चल जाए कि आपको किस तरह का लेना है ब्रेक लीवर, जो हम आपको लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आपको लिंक मिल जाएगा ब्रेक लीवर का। तो आप, और मैं ऐसा नहीं कह रहा, बहुत ही महंगा आएगा आपको, 300 रुपीज़ में आपको ये ओनली फ्रंट ब्रेक लीवर मिल जाएगा, और दोनों का मिला के, ब्रेक और क्लच लीवर मिला के आपको 600 रुपीज़ का आपको आ जाएगा। तो बहुत ही अच्छी बात है, जो आपको GTR आपके दोस्त के पास या आपके पास भी है तो आपको बहुत ही अच्छी हेल्प हो जाएगी इसमें, जो कि आपकी GTR का जो ब्रेक लीवर है बहुत ही सस्ता। अगर आप ओरिजिनल लेने जाओगे इसका, अगर आप इसका ओरिजिनल लेने जाओगे, करीब करीब 2500-3000 के इसके ब्रेक लीवर आएंगे, जो कि बहुत ही महंगे आते हैं। तो अभी हम आपको दिखा देते हैं कि इसमें कैसे लगता है। देख सकते हैं, हम पहले आपको वो, आपको जो 220 का आता है वो लगा के दिखाएंगे, क्योंकि वो नहीं लगेगा। तो आपको देख लीजिए कि उसमें क्या प्रॉब्लम होती है, तो आपको सीधा सीधा आपको मिल जाएगा कि आपको कौन सा लेना है। और जो मैंने वो रिंग दिखाई थी वो आपको लगानी ही पड़ेगी, आप कोई भी आपको प्लास्टिक की चीज़ से काट के बना सकते हो, क्योंकि उसकी वजह से इसका बैलेंस होगा। देख सकते हैं, ये हमारी GTR की ब्रेक है जो लग रही है, बहुत ही आसानी से आपको देख सकते हैं लगा रहे हैं हम। तो अगर आपको भी लगानी है, जो कि आपको बहुत ही अच्छे से हम लगाना सिखा रहे हैं, क्योंकि आपको किसी मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। देख सकते हैं, ये रही हमारी जो हमने काट के प्लास्टिक की बनाई थी वो रिंग, और ये रही हमारी ब्रेक, जो कि हम आपको लगा के दिखाएंगे। और मैं करीब करीब इसको 1 ईयर से यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी एक एक्सीडेंट में टूट गई थी ये ब्रेक लीवर, इसीलिए मुझे आपको लगाने के लिए, आप अगर आपकी भी बाइक की टूट गई है तो आप लगा सकते हैं, बहुत ही आसानी से आपके घर पे ही लगा सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और रॉयल इनफील्ड की आपको ब्रेक लीवर और क्लच लीवर लाना है। अगर आपको रॉयल इनफील्ड को पता नहीं, तो रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 का ब्रेक लीवर लग जाएगा आसानी से। देख सकते हैं, हमने लगा दिया है ये, आपको आसानी से आप घर पे ही लगा सकते हो, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। देख सकते हैं, रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 का आपको ये ब्रेक लीवर लगा सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। देख सकते हैं, हमने लगा दिया है और बहुत ही अच्छी तरह से वर्क भी कर रहा है। हाँ, एडजस्टेबल नहीं होगा, क्योंकि ये एडजस्टेबल नहीं आता रॉयल इनफील्ड का, इसीलिए इसमें आपको एडजस्ट नहीं कर सकते। और क्लच लीवर की बात करें तो वो भी आप रॉयल इनफील्ड का डाल सकते हो, बहुत ही आसानी से आ सकता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं कि नहीं आएगा। मैं वीडियो इसीलिए बनाऊँ, किसी की हेल्प हो जाए, इसीलिए बना रहा हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो गाइस, वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। हाँ, अगर हम अगर इससे कार्स के वीडियो डालें तो आपको पसंद आएंगे, तो आएंगे तो कमेंट में यस कर देना, तो हम कार्स के वीडियो भी बनाएंगे, आपको का ओल्ड कार्स जो होगी उसके रिव्यू करके दिखाएंगे। तो कमेंट कर देना, मिलते कैसे नहीं।